आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ ऋषिका मिश्रा। झारखंड के राजनीतिक दलों ने भारत निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि राज्य में विधानसभा चुनाव 15 नवंबर के बाद कराया जाए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में सोमवार को रांची पहुंची आयोग की 12 सदस्यीय टीम ने सियासी पार्टियों, इन्फोर्समेंट एजेंसी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक की। दलों ने मतदान एक से दो चरण में ही कराने की मांग की है। आयोग के सामने सत्ताधारी दल और विपक्ष ने एक दूसरे की शिकायतें की। झामुमो कांग्रेस ने भाजपा पर उन्माद फैलाने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा ने गृह सचिव वंदना दादील पर सरकार के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया, साथ ही उन्हें हटाने की मांग की है। झामुमो ने सरकार को कार्यकाल पूरा करने की मांग की, कहा कि चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, प्रचार में धर्म जाति विशेष का नाम लेकर भाषण ना हो, ये सुनिश्चित हो। कांग्रेस बोली, भाजपा बांग्लादेशी हिंदू मुस्लिम कर रही है, इस पर रोक लगे। राज्य से बाहर के भाजपाइयों के प्रचार पर रोक लगे। बैठक में आप बसपा, राजद, आजसू, नेशनल पीपुल्स पार्टी CPM के प्रतिनिधि ने भी सुझाव दिए। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मैराथन बैठक की। उन्होंने झारखंड के अधिकारियों से कहा कि चुनाव आयोग का लक्ष्य शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराना है, इसके लिए युद्ध स्तर पर काम हो। रांची पहुंचने के बाद आयोग की टीम ने सबसे पहले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की राय सुनी। इसके बाद चुनाव आयोग की टीम ने आयकर विभाग, उत्पाद शुल्क विभाग, GST, रिजर्व बैंक, वन परिवहन, नागरिक उद्यान, नारकोटिक्स समेत अन्य केंद्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसी के साथ बैठक कर उनकी कार्य योजना की समीक्षा की। इसके बाद आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, राज्य पुलिस के नोडल पदाधिकारी AV होमकर और CPF के नोडल पदाधिकारी के साथ चुनाव तैयारियों के बारे में जानकारी ली। इन अधिकारियों ने अपनी अपनी कार्य योजना बताई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने अपनी चुनावी तैयारियों का प्रेजेंटेशन दिखाया। उन्होंने कहा कि हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। चुनाव आयोग की टीम ने मुख्य सचिव एल खिंख्याते और DGP अनुराग गुप्ता के साथ भी बैठक की और राज्य के हालात पर चर्चा हुई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।